नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 5 बजने को है, वक्त हो गया है मुकाबला का। क्या बिहार में अपराधियों से निपटने का एकमात्र रास्ता उनका इनकाउंटर कर देना है? बिहार में मंत्री नीरज सिंह बबलू को क्यों कहना पड़ा कि इनकाउंटर करने से ही अपराधियों में पुलिस का डर बैठेगा? आज मुकाबला में हम इस पर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको मुकेश साहनी के पिता के मर्डर के मामले में अपडेट दे देते हैं। जीतन साहनी के कातिल तो अब तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं, लेकिन पुलिस को कुछ क्लू मिले हैं। मर्डर वाली रात का सीसीटीवी मिला है पुलिस को, जिसमें कुछ लोग कैद हुए हैं। इसके अलावा मोटिव ऑफ मर्डर को लेकर भी कुछ क्लैरिटी सामने आई है। पता यह चला है कि जीतन साहनी ब्याज पर पैसे उधार देते हैं और इसी को लेकर विवाद हत्या की एक वजह हो सकता है। पुलिस के अलग अलग टीमें अपराधियों को तलाश रही हैं, लेकिन इस हत्याकांड को लेकर सियासत भी चरम पर है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार में कानून का राज नहीं बल्कि गुंडा राज है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बिहार में पिछले कुछ घंटों में हुई आपराधिक वारदातों की लिस्ट भी गिनाई है, लेकिन बीजेपी नेता पलटवार करते हुए लालू राज के अपराध गिना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शोरूम से गाड़ियां लूटने वाली पार्टियों के नेता उन्हें गुंडा राज और कानून के राज पर ज्ञान ना दे। 13 जंगल राज वर्सेस 13 गुंडा राज की सियासत पर हम चर्चा करें। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं, जिससे यह पता चलेगा कि बिहार में अपराध पर किस तरह की राजनीति हो रही है और जीतन साहनी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन अब तक कहां पहुंची है। अनुसंधान में ये बात आया है कि पैसा सूद पे देते थे और कुछ एक बाइक एक आदमी का रखे थे और कुछ अन्य कागज भी रखे थे, और ये भी एक अनुसंधान का बिंदु है जो, और इसके भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मेन प्रायोरिटी हम लोगों का है कि प्रथम दृष्टता सूद के कारण भी हो सकता है कि, और अन्य बिंदु भी हम लोग, ऐसा नहीं कि इसी के बिंदु पे काम कर रहे हैं, अन्य बिंदु पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। अनुसंधान सीसीटीवी में जो संदिग्ध पाया गया उन लोगों को भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम लोग उसको उद्भेदन करेंगे। हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है। एक बिहार की कहावत है, चलनी कहते हैं जिससे आटा उटा चाला जाता है। हमारे यहाँ है चलनी कह रहा है सूप से, जिसमें सहस्त्र छेर अपने ही। ये वही लोग हैं ना जिनके राज्य में नवविवाहिता बेटियों को गाड़ी से उतार दिया जाता था, गाड़ी छीन ली जाती थी, वो शोरूम से गाड़ियां निकाल ली जाती थी। आज ये बता रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान ना दें और अपराधी मुकेश साहनी में भी पकड़े जाएंगे और जो भी अपराध किए हैं उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़े जाएंगे तो कब पकड़े जाएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तमाम प्रवक्ता, तमाम पार्टियों के नेता जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जेडीयू के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, अजय आलोक जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, अभय आनंद जी पूर्व डीजीपी बिहार इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजीपी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ साथ अनवर पाशा जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं सत्यप्रकाश जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी ही पार्टी मेजोरिटी में है बिहार में, सवाल तो आपसे ही बनता है। सर, पहले तो 48 घंटे का वक्त मांगा गया था, 48 घंटे लगभग पूरे होने को हैं, कब पकड़े जाएंगे आरोपी और इसके साथ साथ क्यों बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है? गौनिका जी, बिहार में कानून व्यवस्था नहीं, बिल्कुल नहीं ध्वस्त हुई है। मैं इसके कारणों में जाऊंगा। जो घटना घटी है वो बेहद दुखद है, बहुत पीड़ादायक घटना है और वहां की पुलिस और एसटीएफ दोनों जांच कर रही है और जांच के नतीजे, पाताल में भी यदि अपराधी होगा ना तो उसको खोज के निकालेंगे, वो बिहार पुलिस करेगी। रही बात कि बिहार में जो इस तरह की घटना हो रही है कि किसी की किसी से रंजिश है उसमें हत्या हो जा रही है, कोई घटनाएं इक्की दुक्की इस तरह हो रही हैं, वो दुख का विषय है, लेकिन इसको रोकने के लिए सिर्फ पुलिस तंत्र या इस तंत्र से काम नहीं चलता, उसके एक अलग प्रयास होते हैं।
अगर आप कंपेयर करेंगे पहले के शासन व्यवस्था से और अन्य राज्यों से, तो बिहार बहुत अपराध को कंट्रोल करने में बहुत सफल स्टेट रहा है। उससे ज्यादा अपराध दिल्ली में है, जो कि ये राष्ट्रीय राजधानी है। हत्या का अपराध ज्यादा यहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। बिहार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो बिल्कुल नहीं है। एक समय था कि बिहार में अपहरण, फिरौती, ये सब उद्योग धंधे बन गए थे लालू प्रसाद यादव जी जब उनकी 15 साल की सरकार थी। और अभी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं ना, मैं एक चीज कहना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, 73 या 74 MLA हैं आपके, 54 पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। जरा सर्च करा लीजिए कि 54 विधायक आप जेब में ऐसा लेके बैठे हैं जिसपे क्रिमिनल चार्जेस हैं, और आप बात कर रहे हैं, आकर सामने प्रवचन दे रहे हैं, वो हमें लेक्चर देंगे जो खुद अपराध में शामिल है जिनका MLA, सब पर मुकदमा जारी है। तो अभी ये वक्त राजनीति का नहीं था, क्योंकि एक पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हुई है, सभी पार्टियों को इसका दुख है, और ऐसी घटना ना हो इसके लिए कोशिश सब प्रकार की होनी चाहिए। सिर्फ आप कहेंगे कि क्या पुलिस इसको रोक सकती थी, क्या इस तरह के रंजिश की घटना को कहीं रोका जा सकता है? एक बार सिवान में ऐसी घटना हो गई कि पत्रकार को गोली मार दी, किसने मारी थी? इनकी ये सरकार में थे ना उस समय। तो इस बात को समझिए कि बिहार सुशासन के ही रास्ते पे है। अब वहां गाड़ियों में बंदूक लेकर के बाहर लोग नहीं चलते, वहां रात 10 बजे तक घूम सकते हैं लोग। सर, घर में घुस के गोलियां मारते हैं। नहीं, इस तरह की मैं मानता हूं, इस तरह की रंजिश को अब आप कहिएगा तो मैं कहूंगा कि जो अमेरिका है इतनी सुरक्षित व्यवस्था में ट्रंप पर गोली चल गई, वही बात जो अजय आलोक जी ने कल कही, आप समझिए ट्रंप पर गोली चल गई। तो आप इस बात को समझिए कि अपराध के, मैं ये नहीं कहता कि जस्टिफाई नहीं कर रहा, अमेरिका में जाके थोड़ी मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं किसी चीज को, लेकिन इस बात को समझिए, इस बिंदु को, कि जो अपराध करने का तरीका है, अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता बिहार में सरकार हमारी दोषी होती, अगर रोज अपहरण और फिरौती का धंधा चलता सरकार हमारी दोषी होती, अमन चैन व्यवस्था हर जिले में है, लेकिन इस तरह का अपराध कि कोई किसी की आपसी रंजिश है, उसने हत्या का मन बना लिया, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में, दिल्ली में इस तरह की कई हत्याएं हुई हैं। सत्यप्रकाश जी, 24 घंटे में मैं आपको आंकड़ा दे देती हूँ जी, कल से जब से मुझे मालूम है जब से हत्या हुई है 24 घंटे में 6 मर्डर। गौनिका जी, 24 घंटे में 6 मर्डर, मुझे वो आंकड़ा पता है। मैं ये मानता हूं कि इस तरह की हत्या को रोकने के लिए अलग प्रयास की जरूरत है, सिर्फ पुलिस और कानून व्यवस्था से ये नहीं रुकेगा, इसमें समाज को सामने आना पड़ेगा, कई स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अपराध के मामले में, तो मैं बताऊंगा कि दिल्ली ज्यादा आगे है, उत्तर प्रदेश ज्यादा आगे है। करते रहेंगे, आपने दिल्ली से कर दिया, फिर अजय आलोक जी ने US से कर दिया। अजय जी, आपका तो बयान देखिए, बताइए, आपने ट्रंप को उसमें इन्वॉल्व कर दिया कि ट्रंप पर हमला हुआ। सर, जनता तो बिहार की सरकार से जवाब मांगेगी ना, जनता तो आप लोगों से जवाब मांगेगी, आप लोगों के गठबंधन की सरकार है वहां पर, आप कैसे उसको US से कंपेयर कर देंगे? देखिए गौनिका जी मैं US से कंपेयर नहीं कर रहा था। जब बात हो रही थी कि बिहार में किस तरह की सुरक्षा है, तो ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर एक कंटिन्यूटी का सब्जेक्ट होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि लॉ एंड ऑर्डर, अगर आपका किसी की हत्या हो गई, लगातार 3 दिन में 5 हत्या हो गई, तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, ऐसा नहीं होता है। आप एक ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कि लॉ एंड ऑर्डर पे ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। नीतीश जी कोई आज से शासन में तो है नहीं, NDA की सरकार कोई आज से शासन में नहीं है, बीच के कुछ वर्षों को छोड़ दें, 2-3 साल में, तो ज्यादातर समय NDA का शासन रहा है। उस ट्रैक रिकॉर्ड को आप लॉ एंड ऑर्डर कहेंगे कि पिछले गत कुछ दिनों में जो लगातार हत्याएं हुई, जैसे आज हत्या हो गई है, सारण में हत्या हो गई 3 व्यक्तियों की, मंत्री जी के पिताजी की हत्या हो गई, अगर ये दो लगातार घटनाएं हो जाती हैं, तो उससे पूरे लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट अगर उठाना है और इसको सिक्योरिटी से जोड़ देना है, तो ये कहीं ना कहीं बेमानी है। उसको कंपेयर करते हुए मैंने कहा था कि अमेरिका वर्ल्ड का सबसे विकसित देश, सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स कर रहे हैं, तब भी ट्रंप पे गोली चल जाती है, बाई चांस बचते हैं। द फर्स्ट बुलेट, द सिक्योरिटी इज ऑलवेज फॉर सेकेंड बुलेट। फर्स्ट बुलेट के लिए कभी सिक्योरिटी आज तक वर्ल्ड में नहीं कोई कायम कर पाया है। अभयानंद जी हैं यहाँ पे, Z+ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, फर्स्ट बुलेट की सिक्योरिटी कोई नहीं होता है, और यही ट्रंप के साथ हुआ, सेकेंड बुलेट पर सिक्योरिटी मिलती है। जब अपराधी घटना हो जाती है, तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का काम होता है उस अपराधी को पकड़ना, उसको स्पीडी ट्रायल करवाना, उसको सजा दिलवाना, एक डेटरेंट स्थापित करना समाज में, जो कि हमने किया। हाँ, मैं ये मानता हूं कि पिछले 3-4 वर्षों में इसमें बिहार में कमी आई है, स्पीडी ट्रायल में और एग्जीक्यूशन में कमी आई, लेकिन यही बिहार था 2005 से लेके 12 तक में रिकॉर्ड 93,000 का स्पीडी ट्रायल हुआ और एक डेटरेंट हुआ था, बिहार से अपराधी भाग गए। आज किसी ना किसी कारण से अगर हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन डिटोरिएट किया है, लोगों का मन बढ़ा है,
तो निश्चित तौर पर ये राजनेताओं की, पुलिस और प्रशासन सबकी जिम्मेदारी है कि इस डेटरेंट को हम वापस स्थापित करें। उसके क्रम में बहुत मंत्री बहुत बयान देते हैं, बहुत राजनेता अलग अलग बयान देते हैं, जैसे भी आप किशोर कुमार बबलू का बोल रही थी कि वो कह रहे हैं कि इनकाउंटर करो, एक सोल्यूशन अल्पकालीन सोल्यूशन वो भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? आप अपराधियों को अरेस्ट करके उनका मनोबल तोड़े, स्पीडी ट्रायल करवाएं, उनको जेल करवाएं। अगर इसमें सरकारें फेल करती हैं तब आप उसको अक्षम कहेंगे, तब उसको आप कुशासन कहेंगे। अगर अपराधियों को संरक्षण हम देते हैं, अपराधियों को अगर अपने घर में बैठाते हैं एज अ नेता, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ मिनिस्टर, ओके, तब मतलब है कि ये सुशासन की सरकार नहीं है। क्या एक भी इंसिडेंस है ऐसा कि जेडीयू में एनडीए या बीजेपी या जेडीयू के किसी नेता ने किसी अपराधी को संरक्षण दिया हो, शरण दिया हो? तेजस्वी यादव जो आज ये आरोप लगा रहे थे कि सत्ता शोषित अपराध हो रहा है, अरे भैया चीफ मिनिस्टर के घर से चोरी की गाड़ी निकलती थी, चीफ मिनिस्टर कहता था मेहनत किया है बेचारा बच्चा, कुछ दे दीजिएगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड की बातें हैं, पेपर में छपता था यदि, तो कंपैरिजन तो कहीं से हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैंने ट्रंप का उदाहरण दिया था। मैं मानता हूं जो चीज हुई है ये हमारे लिए चुनौती की तरह है, और बिल्कुल सरकार इसे चुनौती की तरह ले रही है। सर मेन तो यही ना कि डर नहीं है अपराधियों के मन में, क्यों सरकार का पुलिस का डर नहीं है? मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली इसी को मैं कह रहा हूं डेटरेंट। ये डेटरेंस कैसे आता है? डेटरेंस आता है अलग अलग तरीकों से, लेकिन लॉन्ग टर्म डेटरेंस हमेशा स्पीडी ट्रायल एग्जीक्यूशन से आता है। अगर इसमें प्रशासन की कहीं से भी सुस्ती है तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि उसको तेज करवाए। 20 साल से सर, नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से है, ठीक है। हमारे साथ अभय रंजन जी, क्योंकि मैं, ये तो सब राजनीतिक बातें होंगी, मैं आरजेडी के पास भी जाऊंगी जो आरोप लगा रहे लगातार, लेकिन मैं सर आपसे समझना चाहूंगी क्यों बिहार में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हर कुछ साल बाद ऐसा सिचुएशन देखने को मिलती है, हर जगह गोली चलती है, जैसे तेजस्वी यादव की पे कह रहे हैं कि हर कोने पे गोली चल रही है, क्यों ऐसी सिचुएशन आ जाती है? क्या बिहार सरकार का डर नहीं होता, पुलिस का डर नहीं होता? कई ऐसे केसेस देखे जिसमें पुलिस वाले की पिस्टल से पुलिस वाले को गोली मारती। अनिका जी, जब ये दायित्व दिया गया था, नई सरकार आई थी वर्तमान मुख्यमंत्री जी की 2005 के अंत में, तो इसके थोड़ी चर्चा हुई थी, मैं भी उसमें पार्टिसिपेंट था। एक थियरी निकल के आई कि पुलिस का भय होना चाहिए अपराधियों से, अपराधियों के बीच, एंड आई वेरी प्रॉम्प्टली रिएक्टेड। आई सेड नहीं, पुलिस का भय गलत कॉन्सेप्ट है। पुलिस का भय मतलब वर्दी की गुंडागर्दी होती है। तो बहुत रिएक्शन हुआ कि क्या है ये, तो किसका भय होगा? भय होता है कानून का, और पुलिस क्या करती है उस भय में? वो एक एजेंसी बनती है जो अपराधी को पकड़ती है साक्ष्य के साथ, अच्छे साक्ष्य के साथ, वो प्रोफेशनलिज्म है, और तब प्रोसिक्यूट करती है, उसका ट्रायल कराती है, उसके अपील को परसू करती है। इस हद तक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है लॉजिकल एंड तक किसी एफआईआर को ले जाना। अभी एक घटना हुई, पकड़ लिया गया, एक कन्फेशन मेड बिफोर ए पुलिस ऑफिसर आ गया, उसने गच, तो गच लेने से तो कोई एविडेंस नहीं होता है, और उसके बाद फिर अगले प्रॉब्लम में लग गए। तो अगर आप इस तरह से बढ़िएगा क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में, हमको याद है जिस समय हमने ज्वाइन किया था तो बिहार में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के नाम पर एक एफएसएल था, जिस पर मैं बहुत ही शर्म से कहता हूँ कि अगर उसके बिल्डिंग में आप जाते तो वहाँ कुत्ता बैठा हुआ मिलता, और ये फैक्ट है क्योंकि मैंने देखा है कई बार जा करके 2006 में, और उस स्क्रैच से उसको डेवलप करके आज वन ऑफ द बेस्ट एफएसएल हो गया है ये। तो उसका उपयोग कैसे होगा ये साइंटिस्ट नहीं बताता है, ये जो आईओज हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको मिल करके, डोमेन मैनेजर्स वही बोलते हैं, वो जाके मिल के साइंटिस्ट के साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं इस केस में और क्या चीज़ निकाला जा सकता है साइंटिफिकली, किस एक्सटेंट तक इन्वॉल्व होना पड़ता है। आई कैन से विथ प्राइड कि मैं जब डीजीपी था तो ऑन एन एवरेज पर डे एक घंटा मैं टाइम देता था एफएसएल में, लिटरली साइंटिस्ट लोगों के पीठ पर खड़े होकर के वो किस केस को हैंडल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
एसपीज को मैं अपने साथ ले जाता था दिखाने की कौन कौन इक्विपमेंट उसमें है और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपका इन्वेस्टिगेशन का लेवल अगर हाईली साइंटिफिक होगा तो उसका एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ज्यादा होता है जी। आज जो लॉ नया बनना है उसमें मैंडेटरी बना दिया गया है कि आपको एफएसएल का उपयोग करना ही करना होगा, 7 इयर्स या 8 इयर्स से ज्यादा पनिशमेंट जिसमें होता है ठीक। तो मैंने उस जमाने में किया, आज से 12-13 साल पहले इसको ऑलमोस्ट अपनी तरफ से पुश करके मैंडेटरी बना रहा था। तो इतना एफर्ट इन्वॉल्व, ये एफर्ट आपके लोअर फंक्शनरीज नहीं करेंगे, ये एफर्ट जो टॉप मैनेजमेंट है पुलिस का और जो ब्यूरोक्रेसी में है या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है सबको इन्वॉल्व होना पड़ता है उस डिसीजन मेकिंग। ठीक अनवर जी, तेजस्वी यादव ने कहा कि टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे हैं, किससे आप लोगों का मतलब है, कौन टायर्ड नेता है और कौन टायर्ड रिटायर्ड अधिकारी है? देखिए मोनिका जी, जिस तरह से बिहार में पिछले 7-8 महीने में अपराध का ग्राफ जिस तरह से हाई हुआ है, बढ़ा है, वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। बिहार में ये कहकर के आप जस्टिफाई कर नहीं कर सकते आज की सिचुएशन को कि पहले भी पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है कि हम आज की स्थिति को देख रहे हैं और आंख बंद करके ये कह रहे हैं कि आज की स्थिति तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, हमें आज से 25-30 साल पहले की स्थिति दिखाई दे रही है। ये बहुत शर्मनाक है और इससे अंदाज़ा होता है कि हमारी मौजूदा सरकार में विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है अपराध को रोकने की। नाकाम हो चुकी है हमारी सरकार, अभी मौजूदा सरकार, डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता होगा जब अखबार में दर्जन भर ऐसी खबरें जो हत्या की, अपहरण की, लूटपाट की, चोरी डकैती की, इस तरह की घटनाएं न छपती हूँ, उसकी खबरें न छपती हूँ। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे इस तरह की परिस्थितियों को बदल सकें, ऐसी घटनाओं को रोक सकें, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को हम दुरुस्त कर सकें। ये कह देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती कि पहले भी ऐसा होता था। ये अपनी जिम्मेदारियों से एक तरह से मुंह मोड़ना है। आप अगर नाकाम हो चुके हैं, नाकारा हो चुके हैं, जनता को सुरक्षा नहीं दे सकते, राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप कुर्सी में बैठे रहें, कुर्सी पर बैठे रहें, सत्ता में बने रहें। आपको ये अपनी नाकामी स्वीकार करनी चाहिए। और आज बिहार की स्थिति जिस तरह की भयावह हो चुकी है, आज कोई भी बिहार में सुरक्षित नहीं है, चाहे वो नेता हो या चाहे आम जनता हो। आप देखें साहनी जी के पिताजी का जिस तरह से निर्मम हत्या जिस तरह से हुआ है, आप कुछ भी उसके बहाने करते रहें कि ये फिरौती का पैसे, ये पैसे के लेन देन का मामला था, किसी भी तरह का मामला हो, सुरक्षा प्रदान करना सरकार की पहली उसकी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर तरह के क्राइम को रोके, हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त और दुरुस्त रखे। ये व्यवस्था आज बिल्कुल चरमरा सी गई है और जिस तरह से लॉजिक दिए जा रहे हैं उससे ये अंदाजा होता है। मैं अभी एक बड़े नेता को सुन रहा था, कह रहे थे कि चलनी चली सूप को हंसने। आप क्या कहना चाहते हैं, यानी आप इस तरह की व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं? आप अपनी नाकामी को गर्त में जाके पीछे जाकर के उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं? ये बहुत शर्मनाक है। और मैं समझता हूं कि इस तरह से सरकार अगर चलती रही बिहार में तो बिहार की जनता बहुत जल्द उनको सबक सिखाएगी। आने वाले दिनों में बिहार की जनता को इस तरह की सरकार की जरूरत नहीं है जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो भूतकाल का के वाकयात का, उस तरह की घटनाओं का उसकी मिसालें दे दिया करें। मैं समझता हूं कि अपनी नाकामी, आप लोग अपनी नाकामियां छुपाते हैं सिर्फ ये कहकर कि उस वक्त का जंगल राज था, उस वक्त गाड़ियां निकलती थी, शोरूम की गाड़ियां मुख्यमंत्री के आवास से निकल रही। आप सब ये बातें कर रहे हैं, आप आज की बातें कीजिए ना। 20 साल से नीतीश कुमार है, एनडीए की सरकार मौजूदा में है, दूसरों पर दोष डालने से थोड़ी ना अपने जो आप लोगों की कानून व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी। मोनिका जी, हम लोगों ने तो दोष डालने का काम नहीं स्टार्ट किया ना। घटना अगर घटती है तो उसके जांच होते हैं कि नहीं, उद्भेदन सही तरीके से होता है कि नहीं, यह विषय है। आप देखिए कि कोई अपराधी, सही कहा अजय आलोक जी ने कि किसी नेताओं के घर पर या किसी अधिकारियों के घर पे तो उनका कनेक्शन नहीं है, वहां से उनका पोषण तो नहीं हो रहा है, ऐसी कोई घटना तो बिहार में हो नहीं रही है। और गिरिराज जी ने जो कहा, जिनके बयान की अभी चर्चा हो रही थी, कम से कम आप देखिए कि नेताओं को ऐसे विषयों पे
राजनीति नहीं करनी चाहिए, उससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, पुलिस अपना काम करे। निश्चित तौर पर कुछ घटनाएं इधर ज्यादा घटित हो रही है। मैं बिहार सरकार से के अधिकारियों से भी ये कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि ऐसी चीजों पर अंकुश लगाई जाए, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। अभी पैनल में बैठे हुए हैं पूर्व डीजीपी साहब अभयानंद जी, इनके समय में शायद ये कहना भूल गए थे कि एक वो अभी जो नीरज बबलू जी ने कहा कि गोली मार देना चाहिए, इन्होंने भी कहा था कि शूट कर देना चाहिए। तो शूट कर देना चाहिए इन द सेंस कि उन्होंने कहा था कि भाई जो घटना घटे कम से कम आईओ या थाना प्रभारी है उसको कैमरे में कैद करें। ये कंसेप्ट आज से 14 साल पहले 12 साल पहले इन्होंने लाया था, आज उसको गति देने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इनसे इनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके और थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। और अपराधी बच नहीं सकता, अपराध चाहे जितना भी गंभीर हो और जितना कैसा भी मिस्ट्री हो सुलझाया जा सकता है। एफएसएल निश्चित तौर पर बिहार का अभयानंद जी के समय से लेकर अभी तक बहुत ही मजबूती की ओर बढ़ा है। बिहार अपराधियों को न कभी आगे बढ़ने देगा बिहार, और न बिहार में कोई अपराधी बच सकता है नीतीश कुमार के शासन में। सर बातें जितनी मर्जी कर लीजिए आप, मुनका जी बातें जितनी मर्जी कर लीजिए, अपराधी तो आगे बढ़ ही रहे हैं, अपराध तो हो ही रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है सर, किसी से छिपा नहीं है। नहीं नहीं आप मैं सुनिए जरा इसको गंभीरता से सुनिए। एक दौर था कि यहाँ के एमएलए के क्वार्टर में अपराधी रहा करते थे, नक्सलिज्म जिस कदर था उस कदर का संपोषण होता था वहां पे। यही पटना के एमएलए फ्लैट में कई अपराधियों के गाड़ियां पकड़ी जाती थी, आज वो दृश्य तो नहीं है ना, हमारे इरादे पे तो शक नहीं है ना। और कोई भी आप देखिए कि जिस केस का क्लोजर होता है, स्पीडी ट्रायल का जरूर यहाँ पे थोड़ा सा कमी आई है सरकार के इसमें ऑफिसरों में, स्पीडी ट्रायल की ओर उसको ध्यान देना चाहिए। और पुनः हम जो डेटोरिएशन हुआ उसको प्राप्त करेंगे और इसको 2-3 दिन के अंदर में सही सही बिहार के लोगों को ये रख देंगे कि हत्या किस कारण से हुई थी। इसलिए अपराधियों का मनोबल बिल्कुल यहाँ पे नहीं बढ़ने वाला है। आज भी हम लोग वही है, जीरो टॉलरेंस वाले इस पे काम कर रहे हैं। दिख नहीं रही है, ठीक है ठीक है, मैं अनुज जी आपके पास आऊंगी दोबारा। एक मिनट देव ज्योति जी, ये तो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन्होंने अपनाई, ये कल से यही कहा जा रहा है जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस, लेकिन वो टॉलरेंस तो हो रही है ना, बार बार अपराधी अपराध तो हो ही रहे हैं। और ये लोग देखिए कंपैरिजन हो रहा है सर, उनका जंगल राज बेटर था या हमारा जंगल राज बेटर। जितने बेदर्दी से हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी जी की पिताजी को कोल्ड ब्लडेड मर्डर इसको कहा जाएगा। और मैं अभय आनंद साहब को भी सल्यूट करता हूँ, इनका फैन रहा हूँ, इनके पीरियड में अपराधी थरथराते थे। ये नहीं है कि मैं पार्टी लाइन से अलग बोल रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है वो सच्चाई रहती है, सच्चाई कुछ भी सकती है। जांच करने का तरीका उनका पुलिसिंग, जिस समय ये डीजीपी थे उस समय थाना में जाने के बाद जो है आप केस करते थे, 20-20 साल का पुराना वारंट इन्होंने निकलवाया, 25-25 साल से लोग फरार है, आज भी जो है घूम के जो है मोटरसाइकिल से घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, वही दरोगा के साथ चाय पी रहा है। अभय आनंद साहब का जो पुलिसिंग है, जिससे नीतीश कुमार जी का इकबाल हुआ, नीतीश कुमार जी का नाम हुआ, उसमें अभय आनंद साहब का भी देन है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ कि यहाँ रिटायर्ड ऑफिसर बहुत लोग हैं, लेकिन जो भ्रष्ट रिटायर्ड ऑफिसर है उन लोग का काम लेता है सरकार। ऐसे अधिकारियों की जरूरत नहीं है जो ईमानदारी की बात करे, जो इनसे कुछ सीख सकता है, इनको क्लास अगर ले महीना में एक दिन भी आके इनको अधिकृत करे सरकार, इनको रिक्वेस्ट करे और आए और सरकार इनको बताए कि किस तरह से चार्जशीट फाइल होता है, किस तरह से एफआईआर लॉज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, इनसे सीखना चाहिए। मैं जानता हूं जब ये डीजीपी थे 20-20 साल पुराना वारंट लेके एएसआई और हवलदार पहुंचता था लोगों के घर में, लोग भूल गया था कि भैया हमारे ऊपर कोई केस था, वारंट था, पड़ा हुआ था, इन्होंने निकलवाया। तो जब तक आप अपराधी के पास एक बार अगर अपराध कर दिया है, जब तक उसके दरवाजा पे जाके सिपाही नहीं ठकठकाएगा, उसको नहीं खोजेगा, उसके ऊपर दस्तखत नहीं हो सकती है। और अपराध इतना अपराध आज के दिन में हो गया, हमेशा हमारे भाई आलोक आरोग जी देख रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले आज तक में भी बोल रहे थे चैनल में कि 2005 में अपराधी रहते थे, 2005 से पहले सीसीटीवी कैमरा का प्रचलन था क्या? और आज भी सॉल्व कर रहे हैं हमारे आदरणीय नेता मुकेश सैनी जी की हत्या हुई, हमको एक मिनट बोल लेने दीजिए, हत्या हुई उस सीसीटीवी के बदौलते आज पुलिस आई है। उस समय अभय आनंद साहब के समय में सीसीटीवी का प्रचलन नहीं था,
उस समय क्या अपराधी चार्जशीट नहीं होता था, वहां फांसी नहीं होता था, उस समय पुलिस की दहशत थी कि पुलिस को देख के लोग सलाम करता था, और आज के दिन में पुलिस को देख के सामने से चला जाता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। ऐसा क्या हो गया है इस सरकार को कि पुलिस से लोग नहीं डर रही है, अब कानून से नहीं डर रहा है? आप कानून की बोलते हैं, कानून की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, एक नेता का, निषाद समाज का जो आवाज बुलंद कर रहा है, उसकी उसके पिताजी को दरिद्र से मतलब बेरहमी से मारा जाता है, आम लोगों का क्या हाल होगा? ठीक है सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से बार बार सवाल उठे, आप कह रहे थे अभी कुछ मामले, आपने बोला कि आपसी रंजिश में हो रहे हैं, अभी कल का ही मामला है, कल या परसों का मामला है, दो बच्चों की हत्या हो गई, दो बच्चे उनको पीटा गया, बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनकी छाती में चाकू मारा गया। मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूं ताकि आपको ये समझ आए कि बच्चों से आपसी रंजिश कैसी हो गई। सर दो दिन पहले पटना में, राजधानी पटना में मुख्यमंत्री के निवास से कुछ दूरी पर होगा ये मामला। वो मामले में भी इस तरह के जितने मामले हैं वो दुखद हैं, वो हमारी सरकार पे सवाल पैदा करते हैं। हमारा ये कहना है कि हम अपराध के खिलाफ मुस्तैद हैं, अगर उसमें और कोई तेजी की जरूरत है तो सरकार उसमें मुस्तैद खड़ी रहेगी। हमारा सवाल ये था कि हमने बिहार को 2005 से जो हमारी सरकार ने चलाया है उसको बहुत बड़े अपराध के जाल से मुक्त किया है, उसमें अभ्यानंद जी डीजीपी थे, उनका बड़ा रोल रहा है, और भी कई डीजीपी थे। ये बात सही है कि आज विज्ञान तरक्की किया है तो अपराध को रोकने में उससे हमें मदद मिली है, लेकिन जिस तरह समाज भी जिम्मेदारी से भागा है, जिस तरह समाज में एक अजीब स्थिति है, सरकार की चुनौती बढ़ती है। आप समझिए बिहार में शराबबंदी से कम एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने डेथ थे उसको कमी किया, डोमेस्टिक वायलेंस कम किया, जमीन विवाद से रिलेटेड जितनी हत्याएं होती थी, अटेम्प्ट टू मर्डर होता था, उसको कम किया। बिहार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जीरो है, ये बिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक समय था, उस समय को पासाज इसलिए बताते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से बिहार को बाहर लाए हैं। अगर किसी को पसंद होगा, पाशा जी कभी समर्थन नहीं देते उत्तर प्रदेश में योगी जी के, आदित्यनाथ जी के अपराध के मॉडल को, कि बुलडोजर चला देते हैं अपराधियों के घर पे, इनकाउंटर में मार दिए जाते हैं, उस पर पाशा जी बड़े बहुत अद्भुत चेहरा लेकर के आते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं मानता हूं इस बात को और स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि जो भी अपराध हो रहा है वो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको और मुस्तैदी से कुचला जाए, और हम ये कोशिश जारी रखेंगे। जो भी पुलिसिंग सिस्टम है हमारे पास दो रास्ते हैं, जो पुलिसिंग सिस्टम है और जो समाज है, हम दो ही रास्ते पे जा सकते हैं अपराध को, इस तरह के मर्डर्स को रोकने के लिए। आप समझिए दिल्ली में एक लड़का एक लड़की को मार के फ्रिज में रख देता, बताइए कैसे रोकेंगे इसको, ऐसे अपराध को रोकेंगे कैसे? मैं ऐसे ऐसे अपराध की, आपको जिस तरह की अपराध की घटना हुई है कि दो बच्चे को उठा लिया आपने, उसको मार दिया, पुलिसिंग सिस्टम इसको रोकने में कैपेबल है, लेकिन एक हद तक समाज को भी इस पर अपराध के खिलाफ आना होगा। अगर किसी पार्टी का 54 नेता आपराधिक मामलों में शामिल रहेगा, आप समझिए वो अपराध को पाल रहा है या अपराध के खिलाफ बात कर रहा है। और ये पर क्या कहेंगे आप ये तो नहीं मानेंगे शराबबंदी? अच्छा आप एक बात बताइए, पूरी तरह रुकी आप एक बात बताइए, क्या कुछ लोग बदमाश होते हैं उन पर हमारी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? शराब माफियों पर उन पर भी कार्रवाई जारी है। जिस तरह का अपराध है उस हर अपराध पर नीतीश कुमार जी का जीरो टॉलरेंस है, अपराध पर कोई समझौता नहीं है। मेरी पार्टी का या हमारी सरकार का कोई सदस्य किसी अपराधी के घर बैठ नहीं सकता और कोई अपराधी उसके घर नहीं बैठ सकता, ये साबित किया है। एक जमाना था कि मुख्यमंत्री के घर में शादी है और उनकी बेटी की शादी में पटना के सारे शोरूम लूट लो, उसको उसका जिक्र करेंगे तो पाशा जी को मिर्ची लगेगी। मैं ये मानता हूं अभी भी कि जो अपराध हुआ है इस अपराधी को किसी भी अपराध में बिहार में अगर पाताल से ढूंढ के निकालना पड़े तो निकाला जाएगा और सजा मुकर्रर होगी। अनवर जी आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये बुलडोजर वाला एक्शन आपको यूपी वाला पसंद है, क्या वो बिहार में शुरू किया जाए? मोनिका जी क्रिटिकल मानसिकता से अपराधियों, इसी मानसिकता से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है इस समय बिहार में, उसके पीछे इसी तरह की मानसिकता है। हाँ, 54 लोग हैं आपके पार्टी में अपराधी, पता कर लीजिए, एडीआर का रिपोर्ट है, ये हो रहा है, 54 विधायक पे आपराधिक मामले हैं आपके पाशा जी, जरा पढ़िए। 100% है आपके आपके 100% सारे एमएलए और एमएलए हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सौभाग्य से नहीं है, हिस्ट्री देख लीजिए, 100% मिलेंगे। अरे हमारे यहाँ नहीं है, अब ये झूठ बोलने का आप झूठ बोलना आपकी अपराध को नहीं रोका जा सकता। बिहार में अगर आप सीरियस हैं
अपराध को रोकने के लिए पूरे लालू परिवार जमानत पे है साहब, वो भी अपराध ही है, आर्थिक अपराध भ्रष्टाचार संरक्षण के, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये मनोबल नहीं बढ़ सकता। सरकार का संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को, इसीलिए उनका मनोबल हाई है, और पुलिस का मनोबल इसीलिए डाउन है कि सरकार संरक्षण दे रही है अपराधियों को, और आपकी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, ये मनोबल नहीं बढ़ता अपराधियों का। अपराधियों आप ये कहते हैं कि अपराध होना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, अपराध नहीं रुकता, आप इस मिसालें दे रहे हैं, तरह तरह की मिसालें आप दे रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने ये कहा कि अपराध को मुस्तैदी से कुचला है और कुचलेंगे, आप गलत बोल रहे हैं। ये आप इस तरह हम ये कह रहे हैं कि अपराध को मुस्तैदी से कुचला है और आगे भी कुचलेंगे। आप अपराधियों के साथ खड़े हैं, गलत बोल रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, आप सीधे सीधे कहीं जनता को आप अपराध नहीं कर सकते, और संरक्षण देना रोकिए, अपराधियों को संरक्षण देना रोकिए। अरे आप सुरक्षा जनता का अधिकार है, सरकार की जिम्मेदारी है जनता की सुरक्षा करना, और अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो आपको कोई औचित्य नहीं है कि आप बने रहें सत्ता में, और सत्ता को गाड़ फेंकेगी जनता आपको, आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझना चाहते हैं, आज भी आप दूसरों के कंधों पर जिम्मेदारियां डालना चाहते हैं, अजय आलोक जी में झांकना चाहिए। ठीक है अनवर जी, ठीक है, ठीक है, कानून व्यवस्था। अजय आलोक जी सीधा ये अब आरोप लग रहा है कि आपकी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है बकायदा। एक मिनट अनवर जी सुन लिया, एक मिनट सर, आपके पास दोबारा होंगे, एक बार जवाब ले लो, आपके आरोपों का जवाब ले लो। सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित, सत्ता प्रायोजित, ये बता रहे हैं तेजस्वी यादव कि अपराधियों को आप लोग ही संरक्षित दे रहे हैं। तेजस्वी यादव तो मुझे यकीन है इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। अनवर जी इस बात का जरा जवाब दे दे, नीतीश जी अगर सत्ता संशोषित अपराधियों को संरक्षण देते हैं, नीतीश जी अगर सत्ता से पोषित अपराध को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि अभी तेजस्वी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार के साथ 18 महीने की सरकार क्यों बनाई थी भाई साहब? ये जानते हुए कि नीतीश कुमार ऐसा काम करते हैं, तो नीतीश कुमार के साथ 18 महीने की सरकार बनाने तेजस्वी क्यों गए थे? लड्डू खाने 900 नीतीश जी आए थे, हम नहीं गए थे उनके पास, आरजेडी लॉ तेजस्वी जी नहीं गए थे, आलोक जी, आलोक जी तेजस्वी जी नहीं गए थे, ऐसा ही लगता है, आलोक जी तेजस्वी जी नहीं गए थे, मैं भी आपके बीच में नहीं, आलोक जी आप आए थे, नीतीश कुमार जी आए थे, आपको छोड़कर नीतीश कुमार जी थे हमारे पास। ठीक है, आप बात पूरी सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश जी हमारे पास आए थे, जवाब दीजिएगा, अपनी बारी में जवाब दीजिएगा, पहले बात पूरी होने। मैं ये कह रहा हूं कि ये अपराध पे सर्टिफिकेट अगर आरजेडी बांटने लगेगी ना, तो इस देश का लॉ एंड ऑर्डर सत्यानाश हो जाएगा, बिहार तो बात भूल जाइए, सत्यानाश में चला जाएगा। आपको कोई अधिकार नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पे ज्ञान देने का, एक ऐसी सरकार को जिसका 18 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। जब मैं कहता हूं कि स्पीडी ट्रायल में बिहार इंडिया में नंबर वन था 2014 तक, तो वो प्रमाणित है कि 93,000 अपराधी स्पीडी ट्रायल के तहत जेल भेजे गए, उस पीरियड में थोड़े पीरियड में डीजी अभयानंद जी भी थे, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये अपराध, ये ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा कि हमने अपराध से कभी समझौता नहीं किया, नीतीश कुमार का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन अगर आप उसका सर्टिफिकेट अब आरईडी देने लगे, ये तो अद्भुत हो जाएगा भाई, तो कुछ सोच के बोला कीजिए। अब सपा बोले कि हम बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर रखे थे यूपी में, लोग हंसेंगे ही ना, यूपी बिहार मिला के 1/3 ऑफ इंडिया हो जाता है। कृपया करके अपनी विश्वसनीयता मत खोइए, अपराध के दुनिया में आपकी विश्वसनीयता है भाई, आरजेडी लोग ज्वाइन करते हैं, अपराधी लोग मनोबल से कि हम आराम से कर लेंगे, आपकी सरकार बनती है तो पटना के सड़कों पे बीच रोड पे गाड़ी लगा के लोग डांस करने लगते हैं, और ट्रैफिक पुलिस वाला देखते रहता है, लालू जी का फोन डायरेक्टली थानेदार को जाता है, ए छोड़ दो उसको, एसपी को फोन जाता है कि इस थानेदार को वहां भेज दो, इस थानेदार को यहां भेज दो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं अभयानंद जी पुष्टि कर दें। सत्ता संरक्षित अपराध अब हमें आरजेडी और सपा से सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है अभयानंद जी, क्योंकि ये तो देखिए राजनीति, राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति की बात करेंगी, वो उस पर आरोप लगाएंगे, वो एक मिनट, मैं अनवर जी एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि ये तो सब राजनीति करते रहेंगे, लेकिन सर कैसे रुकेगा, क्योंकि आपने जो 2005 के बाद का वक्त बताया जिसपे रिफॉर्म्स हुए, और ये मानते भी हैं कई लोग कि 2005 से 2010 के बीच में, जैसे देवज्योति जी कह रहे हैं कि हाँ उस वक्त हुए थे सुधार, लेकिन अब क्या गड़बड़ हो रही है, अब पुलिस के लेवल पे कैसे चीजें सुधारी जा सकती हैं, या फिर सरकार का इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है, कैसे सरकार पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे सकती है, किस तरीके से सुधार हो सर? अपराध रुकता है और बढ़ता है वो पुलिस की कमी है या उसका परफॉर्मेंस है,
ये कम्प्लीटली प्रोफेशनल गेम है, इसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, ना पॉलिटिक्स से ये घटता है ना बढ़ता है। पॉलिटिक्स का असर पड़ता है पुलिस के फंक्शनिंग पर। पुलिस का फंक्शनिंग अगर क्लीन रहेगा, जो पॉलिटिकली लोग उसको इंटरफियर नहीं करेंगे, तो प्रोफेशनल काम होगा। इट्स अ ह्यूजली कम्प्लीटली प्रोफेशनल वर्क। इन्वेस्टिगेशन करना बहुत प्रोफेशनल चीज होती है। अब कोई ऑफिसर चला इन्वेस्टिगेशन करने, रास्ते में उसको हटा दिया गया कि अब आप हटिए वहां से, कोई दूसरा है, ऐसे अगर होने चला तब तो फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ट्रायल कराओ, ट्रायल कैसे कराओ, प्री ट्रायल अपील्स जो होते हैं, एक स्टेज आया था बिहार में जब 2012 में सडनली शूट कर गया था एंड एस डी जी पी आई वॉज समंड, और भी लोग समंड थे, तो जनरल होता था पेट्रोलिंग बढ़ाइए, गाड़ी घूमवाइए, ठीक है सर। इशू ये हुआ कि आप एस डी जी पी यू मस्ट गिव न्यू आइडियाज बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ द पुलिस फोर्स, तो नया आइडिया लॉ के बाइंड के अंदर देना पड़ता है। एवरीथिंग रिलेट्स टू प्रोफेशनलिज्म इन पुलिस, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं। सर क्या एनकाउंटर रास्ता है, क्योंकि बार बार यही बात की जा रही है कि एनकाउंटर्स होने चाहिए। बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आई हैव माई व्यूज फिक्स्ड, नहीं होता है एनकाउंटर से, नहीं होता आपको, और हक क्या है आपको मारने का। एनकाउंटर का मतलब ही आप मीन कर रही हैं फेक एनकाउंटर। एनकाउंटर्स हुए हैं, सामने से गोलियां चली हैं, घंटों घंटों गोलियां चली हैं, तो होगी, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हमको भी है तो हम भी फायर करेंगे जी। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट हो कि पकड़ने के बाद उसको मार दिया जाए, ये सभ्य समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, देव ज्योति जी, जी बोलिए आप, बोलिए आप। सर जो बोल रहे हैं अभय आनंद साहब, बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूं। पुलिसिंग एक अलग चीज है, पुलिसिंग जो है काम करने का जो तरीका है, ठीक है, उनसे संपर्क टूट गया है। सत्यप्रकाश जी, क्योंकि देखिए सवाल आप पे ही सर बार बार उठेंगे, अब आपकी ही देखिए आपकी पार्टियों के नेता कह रहे हैं, आपके गठबंधन के लोग कह रहे हैं, फिर चाहे वो विजय सिन्हा का बयान हो, वो भी ये मान रहे हैं कि हाँ 5 से 10 का दौर अलग था उस वक्त, उस दौर को फिर वापस आना चाहिए, वो भी आप पर सवाल उठा रहे हैं। ये आपकी गठबंधन के लोग हैं, आपके डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी ने सवाल उठाया। 5 से 10 का जो दौर था उसने पहले 2000 से 2005 का दौर देखा था, 95 से 2000 का दौर देखा था और 90 से 95 का दौर देखा था। वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का दौर से बिहार 2005 से 10 में जब निकला और सुकून की एक स्थिति पैदा हुई तो लोगों को राहत मिला। मैं मानता हूं कि जो अपराध है वो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको काबू किया जाए और पुलिसिंग सिस्टम से लेकर के न्याय प्रणाली तक में जो भी सुधार की गुंजाइश होती वो जरूर हमारी सरकार करेगी। जो घटना दरभंगा में घटी है कि वीआईपी चीफ के पिता की हत्या निर्मम कर दी गई, वो बहुत दुखद घटना है, जो भी पटना की आप घटना बता रही थी। लेकिन अगर आप ऐसा मानने लगे कि बिहार अपराध के गर्त में जा रहा है, ये स्थिति नहीं है। 13 करोड़ की आबादी है, बड़े क्षेत्रफल का एक राज्य है, उसने अपराध पर काबू करना सीखा है और वहां की सरकार जीरो टॉलरेंस है अपराध के खिलाफ, इसमें मुझे कोई शक नहीं इस बात को कहने में। और अभयानंद जी नीतीश कुमार जी को बहुत बेहतर जानते हैं, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार अपराध के खिलाफ हमेशा मुस्तैद रहे हैं। और वो जो बात कह रहे थे कि पुलिसिंग को लेकर के, कि पुलिसिंग का एक बाइंड फ्रेमवर्क है, उसी में काम करने और नए आइडियाज पे काम करने हैं, तो मैं मानता हूं कि इस तरह का अपराध कि कोई रात में उनके जानने वाले जाएं और उनकी हत्या करके चले आए, इसको रोकने के लिए पुलिसिंग के पास क्या, मैं रुकिए, इसको रोकने के लिए आखिर मैं भी समझना चाहता हूं डीजीपी साहब से कि ऐसी हत्याओं को रोकने के लिए क्या क्रिमिनोलॉजी में कोई नए पैरामीटर्स भारत या अलग कहीं आए हैं इस तरह की हत्याओं को रोकने के लिए, जहां एक इंटेंट के साथ कोई व्यक्ति हत्या ही करना चाहता है।
सर अपराधियों में तो डर होना चाहिए। अपराधियों में डर है, अगर अपराधियों में डर नहीं होता तो बिहार अपहरण उद्योग का राज्य था, फिरौती उद्योग का राज्य था। एक फिरौती एक अपहरण नहीं, आप एक घटना दिखा दीजिए। कुछ ही दिन पहले ट्रेन से एक किसी को अपहरित किया गया है, उसके बाद गोली मारी गई चलती ट्रेन में। आप समझिए कि अगर कोई गैंग चल रहा हो, कि पूरा एक गैंग काम कर रहा हो और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया हो बिहार में, छिटपुट घटनाएं अपराध की हैं और ये भारत के हर राज्य में हैं। इसको बिहार को सिर्फ इस तरह से देखेंगे आप तो भारत के करीब करीब हर राज्य में, बर्गर किंग में दिन दहाड़े दिल्ली में शूटर शूट आउट करके चले जाते हैं, मूसे वाले की हत्या हो जाती है पंजाब में दिन दहाड़े 147 से, तो आप क्या मानेंगे? हर राज्य में इस तरह का अपराध है ना सर। आप नहीं, गौनिका जी, गौनिका जी, मैं इसका बहाना नहीं ले रहा हूं, ठीक है सर, गौनिका जी मैं बहाना नहीं ले रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, मैं ये एक मिनट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपराध की जो दुनिया है, जो अपराधी है उसके खिलाफ नए पैरामीटर्स की जरूरत हर राज्य को है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और अपराध को काबू करेंगे। ठीक है अनवर जी, कंपेयर कर रहे हैं वो दिल्ली से कि दिल्ली में ये हो रहा है, मूसे वाला की हत्या हो रही है, उससे साफ जी साफ से झलकता है कि कोई विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है अपराध को रोकने के लिए बिहार सरकार के पास। सरकार अगर चाहती है तभी पुलिस का मनोबल भी बढ़ता है, पुलिस भी एक्शन तभी लेती है। अभी बता रहे थे हमारे पूर्व DGP बिल्कुल सही कह रहे थे कि प्रोफेशनलिज्म होती है पुलिस में, पुलिस की जिम्मेदारियां होती हैं अपराध को रोकने में, लेकिन पुलिस रिपोर्ट करती है सरकार को और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को अपराध मुक्त स्टेट और राज्य प्रदान करे, आप तो अपराध मुक्त समाज प्रदान करे, ये सरकार की जिम्मेदारी है और पुलिस इंस्ट्रूमेंट है सरकार के हाथ में अपराध को रोकने, उसकी छानबीन करने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए। लेकिन अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है और अगर आंख बंद कर ले बिल्कुल सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग, जिस तरह से आज वो जस्टिफाई कर रहे हैं लोग यहाँ बैठे हुए, उससे अंदाजा होता है कि बिल्कुल आंखें बंद कर ली है इन्होंने। आज भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है बिहार में, ऑर्गेनाइज्ड अपहरण हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड डकैती हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड हत्याएं हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड मॉब लिंचिंग हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड डकैती चोरी हो रही है, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो रही है और संरक्षण में हो रही है, सरकार के संरक्षण में हो रही है, ये बिल्कुल सरकार के संरक्षण। अनवर जी, अच्छा एक सवाल, एक सवाल मेरा भी आप, एक मिनट सर, एक आज जितना मनोबल हाई हुआ है, एक सवाल भी सुनिए, पहले कभी नहीं था अपराधियों का मनोबल इतना हाई। ठीक है अनवर जी, एक सवाल मुझे पूछ, वो लोग भी आप पर उससे बार बार सवाल उठाते हैं और आपके वक्त में भी ये कहा गया था, आप उनके वक्त में जंगल राज कह रहे हैं, वो आपके वक्त में, आपके वक्त में तो कोर्ट की भी टिप्पणी आई थी, इनके वक्त में थे ना, एक सांसद थे, पूर्व हो गए आप, आपके वक्त में तो कोर्ट की भी टिप्पणी आई थी कि बिहार में जंगल राज है क्या, के बारे में आती रहती है, सांसद होते थे, तमाम सरकारों के बारे में कोर्ट की टिप्पणी आती रहती है और हमारी सरकार भी क्राइम को और अपराध को रोकने के लिए बिल्कुल उसी तरह से कटिबद्ध थी जिस तरह से होनी चाहिए सरकार। अपराधियों को टिकट बांटने में देश में सबसे पहली पार्टी अगर कोई थी तो वो राजग थी। यहाँ कहा जा रहा है आपकी पार्लियामेंट में 50% आपके मिनिस्टर्स और आपके MLA MPs असेंबली में और पार्लियामेंट में अपराधी हैं, उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, जाकर के वेबसाइट देख लीजिए, आप वेबसाइट चुनाव आयोग का वेबसाइट चेक कर लीजिए, कौन अपराधी है आपका, आपको कलई खुल जाएगी कौन अपराधी है, चुनाव आयोग की वेबसाइट को चेक कर लीजिए आप, चुनाव आयोग की वेबसाइट से पता चला कि राजद के 54 विधायक गंभीर अपराध के मामले में शामिल हैं। ये आपके लिए गर्व की बात हो सकती है, अपराध धानापुर का विधायक कौन है आपके यहां, इतने अपराध उसके खिलाफ में मालूम है आपको, नाकामियों को कबूल कीजिए और अपनी नाकामियों को कबूल करते हुए जनता से क्षमा मांगिए कि आप नहीं रोक सकते अपराध को, आप अपनी गलतियों को और अपनी नाकामी को स्वीकार कीजिए जनता के सामने। जनता चाहती है आज अपराध मुक्त बिहार चाहती है जनता, अगर आप नहीं दे सकते धीरेंद्र जी, आप जनता से माफी मांगिए, क्षमा मांगिए, उनसे पूछिएगा, जब ये सरकार में राजद हमारे साथ शामिल थी तो इनके एक मंत्री थी चंद्रशेखर जी, एक दरोगा की कहीं हत्या हो गई तो उनका क्या बयान था पता है, कि दरोगा की हत्या तो होते रहती, तो ऐसी पार्टी के तो लोग हैंगे सर, आप लोगों की तरफ से हमारी सरकार ने उनको डपट लगाई थी और इनकी पार्टी के जो 54 विधायक अभी आपराधिक मामले झेल रहे दानापुर से लेकर के मुजफ्फरपुर तक, वो इनको दिखता नहीं, इनकी पार्टी जब थी, इनके एक मशहूर सांसद हुआ करते थे, ऑर्गेनाइज क्राइम का रैकेट चलाते थे, नाम मैं बोल दूंगा तो आपको मिर्ची लग जाएगी पाशा जी, ठीक है, शहाबुद्दीन का नाम याद है ना आपको,
क्या होता था सब पता है। उस अपराध से बिहार को मुक्त करके नीतीश कुमार ने गर्व करने का अवसर दिया कि लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं, ठीक है, और कोई बंदूक लेकर बिहार में गाड़ियों में नहीं घूम सकता। आपको शर्म नहीं आती? आप अपने बिहार को बदनाम कर रहे हैं बैठ करके, जबकि बिहार अपराध से निकला हुआ है। घटना हुई है, हमारा सर शर्म से झुका है, ये मानते हैं। जो भी घटना हुई है सरकार कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, धीरेन्द्र जी, बार बार यही पूछा जा रहा है कि जब नेता के पिता की हत्या हो सकती है तो जनता का क्या होगा, और जनता के साथ तो ऐसी घटनाएं हो ही रही है, जनता किसके पास जाए? जनता के भगवान भरोसे रहे, सरकार भरोसे रहे, क्योंकि सरकार का भरोसा तो नहीं लग रहा है। देखिए, ये बात मैं मानता हूँ, ये वीआईपी चीफ के पिता की हत्या, इसको एक स्पेशल केस नहीं मानता हूँ। मेरे लिए तो बिहार का हर एक नागरिक वीआईपी है। अगर कहीं भी हत्या होती है तो दर्द और दुख और संवेदना उतनी ही है जितने उनके पिताजी के लिए है, निश्चित तौर पर। अच्छा, यहाँ पे राजनीति जो होता है वो बहुत दुखद है। आरजेडी के प्रवक्ता क्या क्या कह रहे हैं, अपराधियों का एक नेक्सस हो रहा है तो सरकार संपोषित है। इस तरह का बकवास करना कहीं से उचित नहीं लगता है, और खास करके जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अपराधी, आर्थिक अपराधी है ना भाई, और वो हम, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट ने कहा कि माननीय न्यायालय से वो अपराधी है। तो इस तरह की बातों को राजनीतिक रंग देना कहीं से उचित नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था में गिरावट थोड़ी आई है और उसको सुधारने की जरूरत है। अब कानून अपराध रोकने में पुलिस को भय दिखलाने से ज्यादा मुझे लगता है कि भरोसा जतलाने की जरूरत है। अगर पुलिस अपने भरोसे को कायम करता है तो मुझे लगता है कि स्वतः एक भय का रूप आ जाएगा। वो कहीं ना कहीं कमी है, और सरकार के लोगों को तो मैं मांग करता हूं कि ऐसे चीजों को देखे कि कहां पे लैक है। अधिकारियों को भी जिम्मेदार बनाया जाए, जिम्मेदारी उनकी तय हो। अब अभियानंद जी डीजीपी रहे हैं, तब के समय में आप अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होती थी। FSL का और ज्यादा उपयोग कैसे कर सकते हैं, आर्थिक अपराध भी उसका कारण हो सकता है। तो बहुत सब चीजों को मिला करके आगे हम लोग और काम करेंगे। बिहार के लोगों को भरोसा देते हैं कि यह अपराध को नियंत्रित किया जाएगा और बिहार फिर से पुनः उसी दौर में लौटेगा। इसमें कहीं दोहराएंगे, जो भी गिरावट आई है उसको हम लोग ठीक करेंगे। ठीक है देव ज्योति जी, भरोसा है आप लोगों को, आपको इनकी बात पर? ये तो कह रहे हैं कि बिहार को उसी दौर में लेकर आएंगे और मान भी रहे हैं। मैम, सत्यप्रकाश जी ना माने लेकिन मान भी रहे हैं कुछ उनकी पार्टी के, उनके गठबंधन के लोग, कि हाँ कानून व्यवस्था में है कमी अभी। अब मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, बस इस चीज में खाली अंकुश लग जाए, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनता है, जैसे मैं अभी केस दर्ज किया, FIR किया, FIR करने के बाद उसमें आईओ को मिला। आयो क्या करता है, 1% ही ऐसा लोग हैं कि जो ईमानदार है, जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे लोग हैं। तो बाकी लोग, सारा लोग जो है आपको दोहन में लग जाएगा कि साहब हमको रेड करने जाना है बंगाल, हमको रेड करने जाना, अभियोग तो महाराष्ट्र का है, पुलिस हमको पैसा नहीं देती है, आप हमको 20,000 रुपये भाड़ा दे दीजिए तब हम चले जाएंगे, तो हमको 30,000 दे दीजिए। ये चीज जो है ये गलत क्या है, घर से भी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं दरोगा दोनों तरफ से टांग लेता है, इधर से भी टांगता है उधर से भी टांगता है। तो दरोगा को जब तक सुपरविजन नहीं रहेगा, SP सुपरवाइज नहीं करेगा कि साहब ये केस है, ये केस हमको 30-40 दिन में हमको सॉल्व करके देना है। आप SIT की बात करते हैं, SIT चीज है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उसमें लगती है। आप दो चीज ध्यान दे दीजिए कि कितने दरोगा है कि PHO में है आज के दिन में, SP साहब ने उसका तंखा रोका हुआ है 3 महीना 4 महीना 5, उसके बाद भी दरोगा को फर्क नहीं पड़ता है, उसको सैलरी से तो कोई मतलब है नहीं, उसको तो कौन से मतलब है, किसी तरह से पैसा खींच लेना है, किसी तरह से हमको 1-2 लाख रुपया कमा लेना है, कैसे हम बढ़िया थाना प्रभारी में बन के जाएंगे, SP साहब हमको करेंगे। SP साहब को भी दिक्कत है, यहाँ रिटायर्ड IAS सरकार चला रहे हैं बिहार में। पहले क्या था, रामचंद्र बाबू थे तो लोग रामचंद्र बाबू को भी लोग बदनाम किया, अब क्या थे नहीं थे हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं रामचंद्र बाबू पे, ठीक है, रामचंद्र बाबू भी एक रिटायर्ड IAS हैं, लेकिन आज के दिन में जो रिटायर्ड IAS चला रहे हैं, जिन पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का नोटिस जाता है ED का, और उसके बाद जो है उसको मैनेज करके वो
दोनों तरफ सेतु बन के बीजेपी और जदयू का सेतु बन के जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, ये है नीतीश कुमार जी। अगर अपने खुद देखेंगे, मुझे आज भी पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनका काम करने का तरीका, उनका जो 2005 से 2010 तक उन्होंने जो सरकार चलाया वो अच्छा चलाया, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी देखिए हर एक जिला में मर्डर हो रहा है। ठीक है देवी, हर एक जिला में। अजय आलोक जी, ठीक है सर, वक्त कम है। अजय आलोक जी, जैसे लिखा होता है ना कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ऐसे ही क्या बिहार की जनता को भी यही कहा जाएगा कि अपनी सुरक्षा के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं? जैसे उन्होंने गिनाई कमियां कि हाँ पुलिस में भी कमियां होती हैं, कि जब तक सुपरविजन नहीं होगा, एसपी नहीं देखेगा दरोगा को, एसपी को नहीं देखा जाएगा डीजी के द्वारा, डीजीपी नहीं देख को सरकार नहीं देखेगी तो कैसे होगा सर? हायरार्की जब सही से काम नहीं करेगी तो कैसे अपराध रुकेंगे? एक सोल्यूशन बता के जाइए सर यहाँ पे। मुझे नहीं लगता है कि बिहार में ऐसी व्यवस्था है, जैसा कि अभी हमारे वीआईपी के मित्र कह रहे हैं, ऐसी देवज्योति जी, ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था होती तो 40 जिले के सारे थाने ऐसे चलते तो बंटाधार हो जाता। हाँ, ऐसी व्यवस्था जरूर थी 2005 के पहले। देवज्योति जी, मैं डीजीपी साहब को याद दिला रहा हूँ, आप जिस एसपी साहब की बात कर रहे हैं और अभी जिस व्यक्ति का नाम सत्य प्रकाश जी ने लिया, स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी, उन पे चार्जेस थे और प्रूवन था कि उन्होंने तत्कालीन छपरा के एसपी की गाड़ी पे AK-47 से गोलियां चलाई थी। पूरी की पूरी बिहार पुलिस पहुंच गई थी उनके गांव की घेराबंदी करने, उन्हें अरेस्ट करने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण बिहार पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। ऐसे में बिहार पुलिस का मनोबल बहुत टाइट रहता क्या? ये था मनोबल का हाल। ऐसी स्थिति यहाँ आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में पुलिस को जब जरूरत पड़ेगी तो वो एनकाउंटर भी करेगी, और पुलिस को मैक्सिमम टाइम जब जरूरत पड़ेगी आत्मरक्षा में गोली भी चलाएगी, और पुलिस को आज के डेट में स्ट्रेंथन होने की जरूरत है। और बिना पॉलिटिकल विल के पुलिस स्ट्रेंथन नहीं होती है, ये सच्चाई है। और पॉलिटिकल विल है और पुलिस स्ट्रेंथन होगी, और बिहार पुलिस पे हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज भी सबसे अच्छा क्राइम रिजोल्यूशन का रिकॉर्ड बिहार पुलिस के नाम पे है। इसीलिए सीधे बिहार पुलिस को कटघरे में खड़ा करना कहीं से भी ठीक नहीं है। ठीक है सर, बिहार पुलिस को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, सरकार को ना खड़ा करे तो सवाल किससे पूछे? मेरे पास वक्त आज इतना ही था, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य प्रकाश जी, अजय आलोक जी, अभयनंद जी, धीरेन्द्र जी, अनवर जी, देव ज्योति जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।